हे गाइस, तो आज हम बात करने वाले हैं एक नोकिया स्मार्टफोन के बारे में और इस स्मार्टफोन का नाम है नोकिया 9.3 PureView। बेसिकली फिलहाल के लिए एक कॉन्सेप्ट फोन है, अभी तक इसकी ऑफिशियली स्पेसिफिकेशंस नहीं आई, बट जो मैं आपको आज स्पेसिफिकेशंस बताऊंगा वो लीक्ड स्पेसिफिकेशंस है और हो सकता है ये स्पेसिफिकेशंस में थोड़ा सा वेरिएशन हो इस फोन की ऑफिशियल स्पेसिफिकेशन से। तो आज हम इस वीडियो में सिर्फ इसकी स्पेसिफिकेशंस ही नहीं, इसका प्राइस एंड इसकी रिलीज डेट के बारे में भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा नाम है प्रयास और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बियॉन्ड स्क्रीन। तो स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले बात आती है इसकी बॉडी एंड डिजाइन की। तो इसमें आपको ग्लास बैक मिलता है, एल्युमिनियम फ्रेम मिलता है और ग्लासी फ्रंट मिलता है। साथ ही ग्लास में आपको मिलने वाली है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। साथ ही आपको इस फोन में मिल जाती है IP68 की वाटर प्रूफिंग। तो करते हैं बात इसकी स्क्रीन की। तो इसमें आपको मिलने वाली है 6.67 इंचेस की मैसिव डिस्प्ले जो की होगी PoLED डिस्प्ले। साथ ही आपको मिल जाती है 16 मिलियन कलर्स की डेप्थ और इस फोन की डिस्प्ले का रिजोल्यूशन होगा 1440x2880 पिक्सल का। साथ ही आपको मिलने वाली है 481 ppi की पिक्सल डेंसिटी और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया इस स्क्रीन में आपको मिलने वाला है गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन। साथ ही फोन की स्क्रीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाली होगी। तो गाइस मैंने पहले आपको बताया इसमें आपको मिलती है PoLED डिस्प्ले जो कि एक नया कॉन्सेप्ट है। आपको ये डिस्प्ले काफी कम मोबाइल्स में मिलती है और अगर इस डिस्प्ले को कंपेयर करें सैमसंग की AMOLED डिस्प्ले से तो इसमें आपको ज्यादा अच्छे या डीपर ब्लैक्स मिल जाते हैं, यानी कि आसान भाषा में ये डिस्प्ले AMOLED डिस्प्ले से भी अच्छी है। बात आती है इस फ्लैगशिप मोबाइल्स की परफॉर्मेंस की। तो इसमें आपको मिलने वाला है स्नैपड्रैगन 865 जो कि 5G भी सपोर्ट करता है और गाइस ये प्रोसेसर अब तक का क्वालकॉम का सबसे लेटेस्ट एंड सबसे फास्टेस्ट प्रोसेसर है। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि इसकी परफॉर्मेंस भी आपको कितनी अच्छी मिलने वाली है। साथ ही आपको मिलने वाला है एडिनो 650 वाला GPU, यानी कि प्रोसेसर एंड GPU दोनों ही आपको इसमें काफी अच्छे मिल जाएंगे। साथ ही ये फोन बेस्ड होगा एंड्रॉइड 10 पर। करते हैं बात इस फोन की मेमोरी की। तो इसमें आपको दो वेरिएंट मिलने वाले हैं मेमोरी का कोडिंग जो कि होंगे 128GB इंटरनल स्टोरेज प्लस 6GB रैम, 256GB इंटरनल स्टोरेज एंड 8GB रैम। और इस फोन की मेमोरी के साथ आपको मिल जाता है UFS 3.0 का यूनिवर्सल फास्ट स्टोरेज का सपोर्ट। तो अब बात आती है इसकी एक मेन हाइलाइटेड चीज यानी कि इसके कैमरे की। तो इसमें आपको मिलने वाला है 408 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा जो कि काफी अच्छा होने वाला है और साथ ही आपको मिलने वाला है 8 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस वाला कैमरा और इसके साथ आपको मिल जाता है 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा और इसमें एक टाइम ऑफ फ्लाइट 3D सेंसर भी टैप सेंसिंग के लिए आपको मिल जाएगा। और गाइस यहाँ पर आती है इसकी एक खास बात, इसमें आपको मिलने वाला है जीस ऑप्टिक्स। बेसिकली जीस एक जर्मन लेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जिसके लेंस की क्वालिटी काफी अच्छी होती है, यानी कि आपको इसमें काफी अच्छी इमेज क्वालिटी मिल जाएगी। और गाइस ये फोन रिकॉर्ड कर सकता है 8K वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकेंड। गाइस जब मैं वीडियो बना रहा हूँ अभी तक मार्केट में एक या दो फोन ऐसे आए हैं जो कि 8K वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं लाइक सैमसंग फ्लैगशिप S20 अल्ट्रा। तो वापस आते हैं इस फोन की स्पेसिफिकेशंस की। तो इस फोन में फ्रंट में भी आपको दो कैमरे मिलने वाले हैं जो कि होंगे 20 मेगापिक्सल का वाइड एंगल कैमरा प्लस 3D टाइम ऑफ फ्लाइट सेंसर जो कि आपको डेप्थ सेंसिंग में ही हेल्प करता है और इसका फ्रंट कैमरा रिकॉर्ड करता है 4K वीडियो एट 30 फ्रेम पर सेकंड। यानी कि अगर आप फेस कैम वीडियो बनाते हो या फिर आप किसी भी तरह की फ्रंट कैमरे से वीडियो बनाते हो तो उसकी क्वालिटी आपको काफी अच्छी इस फोन में मिलने वाली है। तो करते हैं बात इस फोन की बैटरी की। तो इस फोन में आपको मिलने वाली है 5000 mAh की नॉन रिन्यूएबल बैटरी जो कि फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करती है, साथ ही वायरलेस फास्ट चार्जिंग भी सपोर्ट करेगी। रही बात की कुछ कॉमन स्पेसिफिकेशंस की, तो इसमें आपको फिंगरप्रिंट मिलने वाला है अंडर डिस्प्ले एंड इसमें आपको 3.5mm का ऑडियो जैक नहीं मिलता। तो बस गाइस यहाँ पर इस फोन के स्पेसिफिकेशंस खत्म होती है। बात आती है इसकी रिलीज एंड प्राइस की। तो ये फोन एक्सपेक्ट किया जा रहा है 8 जुलाई 2020 को और इस फोन का इंडिया में एक्सपेक्टेड प्राइस है 69,000 इंडियन रुपीज। तो बस गाइस इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए गैजेट के साथ। जब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।